हेलो एवरी वन आई एम तृप्ति वेलकम टू एन पी सी द चैनल वेर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड येस हम आज के लेक्चर में टू इम्पॉर्टेंट एरिवेशंस करने वाले हैं एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स ओके जनरली ये फाइव मार्क्स के होते हैं सो स्टेट यून एंड वॉज दिस वीडियो टिल द एंड

इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर ही आपको एक्सिस एंड इक्वेटर दोनों कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है सो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पहले जान लेते हैं उसके बाद में फिर हम ये डेरीवेशन स्टार्ट करते हैं ओके जनरली इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ओके मीन्स अगर आपके पास टू चार्जेस हैं और उन चार्जेस का मैग्नीट्यूट सेम है ओके okay, मीन्स ये भी क्यू चार्ज है और ये भी क्यों चार्ज है बट इन ऑपोजिट नेचर ओके मीन्स ये नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस ओके फाइनाइट या फिर आप बोल सकते हैं स्मॉल डिस्टेंस ओके सपोज डिस्टेंस विल भी टू ए हमने टू ए डिस्टेंस मेज़र की ओके okay. अब टू ए डिस्टेंस लेने का एकमात्र रीज़न ये है कि इस डाइपोल पर जनरली हम सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं सेंटर से फर्स्ट चार्ज की डिस्टेंस हो गई ए एंड सेकेंड चार्ज के लिए एके बिकॉज okay. दीज आर टू इक्वल इन ऑपोजिट चार्जेस एंड द डिस्टन्स बिटवीन देम आर टू ए इतना क्लियर हुआ ओके okay. अब डायपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो डायपोल मोमेंट मीन्स इस डायपोल या इस सिस्टम की स्ट्रेंथ कितनी है तो इस स्ट्रेंथ को बताने के लिए एक न्यू क्वान्टिटी इंट्रोड्यूस हुई एंड दैट इज कोल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ओके इस क्वांटिटी को आपने क्या कहा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इसे हम पी से डिनोट करते हैं एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज ओके okay, आप कोई भी एक चार्ज ले सकते हैं चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन दिज चार्जेस ओके सो दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अब बात आती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है ओके सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है मीन्स इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा सो डायरेक्शन विल बी देखो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है ये हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शंस हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होती है मींस यहाँ से यहाँ तक ओके यहाँ से आप नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट हुए और पॉजिटिव चार्ज पर गए तो डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव अब बात आती है यूनिट की सो यूनिट विल बी ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए चार्ज के लिए कूलम एंड फॉर डिस्टेंस इट इज मीटर सो कूलम इन टू मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नाउ द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ओके मीन्स अगर आपको एक इलेक्ट्रिक डायपोल गिवन है तो उसका टोटल चार्ज आप फाइंड आउट कर सकते हैं यस yes? टोटल चार्ज और वी कैन से नेट चार्ज ओके टोटल चार्ज और वी कैन से नेट चार्ज इज इक्वल्स टू जीरो ओके मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल चार्ज जीरो होता है बिकॉज देखिए फर्स्ट चार्ज नेगेटिव है एंड सेकेंड चार्ज पॉजिटिव है दोनों को आपने ऐड किया तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा सो so, आपके पास जीरो होगा बट इलेक्ट्रिक चार्ज तो ज़ीरो होता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज़ नॉट ज़ीरो ओके मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है बिकॉज देखिए अगर आपके पास एक सिस्टम है ओके okay, एक डायपोल है दिस इज नेगेटिव चार्ज दिस इज पॉजिटिव चार्ज अब हम इस सिस्टम के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें या आप बाहर भी निकाल सकते हैं सपोज अगर आप इस पॉइंट पर निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज ये क्या होगा टूअर्ड्स द चार्ज ओके बिकॉज नेगेटिव पे टूअर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा एंड पॉजिटिव पे अवे फ्रॉम द चार्ज तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की सेम होगी और जब सेम ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता ओके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो पॉसिबिलिटी है जीरो होने की बट सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक डायपोल नाउ वी आर गोइंग टू डील

और वी कैन से सेपरेशन इज टू ए सपोज दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ओ सो दिस डिस्टेंस इज ए एंड इट विल बी ऑल्सो ओके एंड फ्रॉम दिस पॉइंट मिड पॉइंट ओके इस मिड पॉइंट से या सेंटर से सपोज एक्स डिस्टेंस पर इस डायपोल एक्सेस पर एक पॉइंट हमने पी कंसिडर किया उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल ओके और वी कैन से फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज दिस नेगेटिव चार्ज ओके क्लियर है नाउ वन बाय वन हम पहले जैसे आप क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल करते आए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायरेक्शंस फाइंड आउट कर लीजिए एंड देन आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करिए ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे देखिए प्लस क्यू है तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है सो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन एंड इससे आप अगर आप चार्ज वन एंड टू कंसिडर करें सो so, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज टू एंड द सेकेंड वन इज माइनस क्यू एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूअर्ड्स द चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई वन ओके इन दिस डायरेक्शन ये क्लियर है इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में सेकंड चार्ज के कारण अगेंस्ट डायरेक्शन में दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट हैं इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट होंगी अब सबस्ट्रैक्ट किस में से किसमें करें ई टू में से ई वन करें या फिर ई वन से ई टू करें तो जनरली हमने स्टडी किया है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है उसमें से आपको स्मॉलर क्वांटिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करना है तो देखिए इस चार्ज ये जो चार्ज है इसका डिस्टेंस इस पॉइंट पी पर काफी ज़्यादा कम है एज़ कंपेयर टू दिस चार्ज ओके okay. यहाँ पर और हमने स्टडी किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिस्टेंस स्मॉल होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मोर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा एंड डिस्टेंस ज़्यादा होगी सो इलेक्ट्रिक फील्ड लेस होगा सो so, इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू इज़ ग्रेटर दैन ई ये हमें इस कॉन्सेप्ट से समझ में आया मीन्स आपको क्या करना है ई टू माइनस ई वन करना है ये आपको एक चीज पहले क्लियर हो गई ओके okay, अब हम फाइंड आउट करते हैं इसके मैथमेटिकल टर्म्स को सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई टू माइनस ई वन ओके हम डायरेक्शंस तो हमने ऑलरेडी मेजर कर लिए है तो डायरेक्शन यहाँ पर वेक्टर के लिए अभी बात नहीं करते हैं वेक्टर साइन अभी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि डायरेक्शंस आपको ऑलरेडी पता है इसलिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ई टू एंड देन ई वन ओके ई टू एंड ई वन की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे सो so, आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगा सो ई टू इज अब इलेक्ट्रिक फ़ील्ड एट द पॉइंट चार्ज ओके हमने ये स्टडी किया था सपोज आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज से आठ स्टांस पर एक पॉइंट है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने ये फॉर्मूला स्टडी किया था इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर ओके अब यहाँ पर पॉजिटिव क्यू भी ले सकते हैं पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं नेगेटिव चार्ज भी वो डायरेक्शन चेंज कर देगा बट मैग्नीट्यूड का इक्वेशन यही रहेगा सेम ही रहेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड चार्जेस पर सेम है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज होगा ओके सो ई टू विल बी के क्यू ओके पॉजिटिव और नेगेटिव है बट मैग्नीट्यूड तो सेम है के क्यू बाय अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ओके सो टोटल डिस्टेंस अगर x है और ये डिस्टेंस a है तो इस x में से a को माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा सो so, x माइनस ए का होल स्क्वायर ओके ये डिस्टेंस हुआ चार्ज टू एंड पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस एक्स माइनस ए एंड स्क्वायर है सो होल स्क्वायर कर दिया तो so, ये हुआ आपका ई टू एंड देन ई वन इज के क्यू मैग्नीट्यूड सेम है बट डिस्टेंस डिफरेंट है डिस्टेंस यहाँ x है ओके मिड पॉइंट से पॉइंट P का डिस्टेंस x है एंड देट इज a. सो द फाइनल डिस्टेंस इज x प्लस ओके, सो x प्लस ए का होल स्क्वायर आपके पास ई वन है एज वेल एज ई टू है आप इन दोनों की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करिए सो ई नेट इज इक्व टू के क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायेर ई टू की वैल्यू ये है एंड प्लस माइनस के क्यू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायेर ओके बस इसे आप जनरली जैसे सॉल्व करते हैं इसे आप सॉल्व कर लेंगे सो कॉमन टर्म विल बी के क्यू एंड रिमेनिंग टर्म विल बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड वन बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर ओके अब एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे सो ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू एलसीएम होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके हियर एक्स प्लस ए स्क्वायर एंड हियर एक्स माइनस ए स्क्वायर। ओपन करिए ब्रैकेट सो एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर ए स्क्यर बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी टू एक्स एंड माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस सॉरी माइनस टू ए एक्स हुआ ओके एंड दिस इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का होल स्क्र सो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वायर ओके एंड होल स्क्र तो रहेगा ही बस सब इस ब्रैकेट को ओपन करिए जो कैंसल आउट हो रहा है टर्म कैंसिल करिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस टू ए एक्स ओके एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ओके एक्स स्क्वायर माइनस एंड प्लस कैंसल आउट ए स्क्वायर भी कैंसल आउट हो गया सो के क्यू टू एक्स प्लस टू ए एक्स दैट इज फोर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ओके नाउ इस फोर को हम इस तरह से लिख सकते हैं टू के एंड क्यू एंड देन टू ए डॉट एक्स ओके क्योंकि ये वाला जो टर्म है हमारा ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ओके okay. इसीलिए हमने फोर को डिवाइड कर दिया एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और कैपिटल पी होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ओके टू ए क्यू सो ये वैल्यूज पुट करिए टू के इसके प्लेस पे आप पी लिख सकते हैं पी एक्स हुआ एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हुआ आपका ई नेट ओके मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस डाइपोल अब एक कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है कि अगर आपके पास ये डाइपोल की जो लेंथ है सेपरेशन है वो फाइनाइट है ओके okay, आपने पहले भी पढ़ा है कि फाइनाइट डिस्टेंस पर हैं दोनों चार्जेस या फिर काफी स्मॉल डिस्टेंस है मीन्स ए जो है वो वेरी वेरी लेस देन है एज कंपेयर टू दिस लेंथ एक्स ओके तो ए स्क्वेयर तो और भी ज्यादा छोटा होगा ओके okay. तो ए स्क्वेयर को आप जीरो कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि काफी स्मॉल क्वांटिटी है तो इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं तो ए स्क्वायर के प्लेस पे अगर आप जीरो पुट करें सो ई नेट होगा आपके पास टू के पी एक्स से जीरो तो एक्स स्क्वेर एंड अगेन स्क्वायर सो एक्स की पावर फोर ये एक्स से एक्स कैंसिल तो पावर क्या रिमेनिंग हुआ थ्री टू के पी बाई एक्स की पावर थ्री ओके ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस डाइपोल और डाइपोल की जो लेंथ है काफी स्मॉल है मीन्स ये एक पॉइंट सा कंसिडर हुआ है सो so, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज दिस अब बात करते हैं डायरेक्शंस की तो डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायरेक्शन होगी एंड डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव ओके एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की डायरेक्शन दोनों की सेम है तो यहां पर अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ई नेट इज पॉजिटिव ओके टू के पी बाई एक्स क्यूब इलेक्ट्रिक फिल एट द पॉइंट ऑन दैटर ऑफ डाइपोल मीन्स डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन पर एक पॉइंट आपको गिवन है और उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फिल फाइंड आउट करना है ड्यू टू डाइपोल अभी आप समझ जाए कि किस तरह से हम इस डेरिवेशन को डील करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डायपोल लेना है

A and this is also A, so A and A is going to be 2A distance. अब इस midpoint se hum ek perpendicular draw karte hain okay? Means x distance पर आपने एक perpendicular line पर point लिया, okay? And इस point P पर आपको electric field find out करना है सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज दोनों की चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम पॉइंट पी पर फाइंड आउट करेंगे सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वही होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर ऑफ डाइपोल सो सपोज दिस चार्ज इज गोइंग टू बी वन एंड दिस चार्ज इज टू सो फर्स्ट फर्स्ट चार्ज के कारण अगर पॉइंट पी पर आप देखें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट इज टुवर्ड्स द चार्ज ओके इसे आप ई वन कंसिडर कर लेते हैं टुवर्ड्स द चार्ज एंड सेकेंड चार्ज पॉजिटिव है सो so, यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज तो हम इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेते हैं दिस इज गोइंग टू बी ई टू ये पॉइंट क्लियर है एंड ये इलेक्ट्रिक डायपोल है एंड दिस इज़ द मिड पॉइंट सो जो एंगल होंगे वो दोनों चार्जेस के बीच के सेम होंगे सो so, हम इसे थीटा कंसीडर कर लेते हैं ओके okay, ये डिस्टेंस पॉइंट पी की मिड पॉइंट से डिस्टेंस एक्स है एंड दिस इज द डिस्टेंस ए ये डिस्टेंस क्या है आपका ए मिड पॉइंट से ओके okay, इतना क्लियर है अब देखिए इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एज वेल एज ई टू इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा किस डायरेक्शन डायरेक्शन में में इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बट अगर आप सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखे तो ये दोनों पैरेलल लाइन हैं तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपके पास थीटा नाउ ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ठीटा एंगल विथ द होरिजोनटल लाइन ओके होरिजोनटल लाइन से ये ठीटा एंगल क्रिएट करता है तो इसके टू कम्पोनेंट्स होंगे और ठीटा के साइड में जो एंगल होता है या फिर जो कॉम्पोनेंट होता है दैट इज ई कॉस ठीटा तो ये हुआ आपका ई टू कॉस ठीटा ओके एंड ठीटा के परपेंडिकुलर जो होगा वो ई टू साइन थीटा ओके okay, ये हमने ई टू के लिए बात की एज वेल एज अगर आप ई वन के लिए कंसिडर करें तो ये अगर ठीटा है तो ये जेड शेप बन रहा है तो सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग ये एंगल भी आपका ठीटा होगा अब ये ठीटा है तो ठीटा के लाइन में जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज कॉस्टिटा सो ईवन कॉस्टिटा एज वेल एज परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट इज ईवन साइन ठीटा सो ईवन साइन डीटा एंड ई टू साइन थीटा इज ऑपोजिट एंड इक्वल सो दीज आर कैंसल आउट ओके ये जो कॉम्पोनेंट्स है ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट है एंड इक्वल होंगे इक्वल क्यों होंगे क्योंकि ई वन एंड ई टू दोनों इक्वल होंगे क्योंकि चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम होगा ओके okay? तो ये कैंसल आउट हो जाएंगी अब आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है एंड दैट इज़ सेम पैरल फॉर ई वन एंड ई टू ई वन कॉस कॉस्टिटा एज वेल एज ई टू कॉस कॉस्टिटा एंड दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है तो दोनों एड हो जाएंगे सो ई नेट इज इक्वल टू होगा ई वन कॉस सीटा एज वेल एज ई टू कॉस सीटा क्लियर है अब अगर आप ई वन कॉस सीटा और ई टू कॉस कॉस्टिटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एड पॉइंट पी ड्यू टू दिस टाइप पोल सो वन बाय हम सो वन बाय वन हम ई वन एंड ई टू कॉस्टा की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ई वन कॉस्टिटा सो फॉर ई वन इट इज के क्यू बाय आर स्क्वेयर आर स्क्वेयर मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉइंट पी अब ये डिस्टेंस कैसे मेजर करें तो देखिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ दैट इज लेंथ एक्स एंड दिस इज ओके ये लेंथ ए एंड ये एक्स तो ये होगा अंडरवूड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ओके बट यहाँ ए स्क्वायर होता है ओके okay, तो इसका स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा या फिर अगर मैं ऐसा लिखूं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ये होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ओनली टर्म बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओके क्लियर है नौ कॉस थीटा सो कॉस थीटा कोस सीटा लेना नहीं बोलना है आपको ओके okay, अब हम कोस सीटा को भी एक्स एंड ए के टर्म में लिख सकते हैं यस yes, कर सकते हैं हमेशा कैसे करेंगे तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है कॉस थीटा इक्व टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो बेस होगा ये थीटा एंगल है तो बेस ये होगा आपके पास ए सो so ए एंड हाइपोटेनियस ये ओके तो हाइपोटेनियस का होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये होगा रूट क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से आप ये डिस्टेंस मेजर करेंगे तो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे देखो अगर आपके पास ये डिस्टेंस एक्स है ये एक्स ए है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी सी तो ये ए सी का स्क्वायर हुआ दोनों इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायेयर एंड आपको ओनली ए सी चाहिए स्क्वायर नहीं चाहिए तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओके तो हमने ये जो हाइपोटेनियस है इसके प्लेस पे अंडर उड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रखा क्लियर है अब देखिए हम कॉस थीटा के प्लेस पे यहाँ ये पुट करेंगे तो चलेगा ओके सो ई वन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हुआ के क्यू बाई ये कैंसिल आउट हो गया तो ओनली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रिमेनिंग टर्म हुआ कॉस थीटा के प्लेस पे आप ए बाई ये है स्क्वायर ओके ओके सो स्क्वायर और इसका रूट 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 का होता है तो मैंने के के पे इसकी पावर टर्म में लिख लिया वन बाई टू ना इंटू ए बाई क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस एक्स एंड ये जो पावर है ये वन है ये वन बाई टू दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायेयर वन प्लस वन बाई टू दैट इज गोइंग टू बी थ्री बाई टू ओके ये पॉइंट क्लियर है नाउ दिस इज ई वन कॉस्टिटा सिमिलरली अगर आप ई टू कॉस्टिटा फाइंड आउट करें सो ई टू कॉस्टिटा भी यही टर्म होगा ई टू कॉस सीटा भी सिमिलरली यही टर्म हो क्यों क्योंकि लेंथ सेम है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है सो so, आपके पास यही वैल्यू आएगी के क्यू ए बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड पावर थ्री बाई टू सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस डाईपोल इज ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कोस थीटा और दोनों की वैल्यूज सेम है पुट करिए के क्यू ए बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थ्री बाई टू पावर एंड के क्यू ए बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थ्री बाई टू तो ये हो जाएगा टू के क्यू ए बाई एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू अब इससे हम इस तरह से लिखें के q इन टू टू एके इस टर्म को हमने इस तरह से टू ए के साथ में ले लिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा अब ये आपको ये वाली जो टर्म है दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सो k और ये क्या होता है p सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायेयर इज थ्री बाई टू ये हुआ e नेट और इसमें भी आपको सेम केस अप्लाई करना होगा जो हमने एक्सियल फॉर्म में देखा था एक्सिस फॉर्म में देखा था कि डाइपोल मोमेंट की जो डिस्टेंस है सेपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है मीन्स ए इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस ओके एक्स तो ए स्क्वेयर तो और भी छोटा होगा सो ए स्क्वेयर को आपको ज़ीरो कंसिडर करना है तो यहाँ ए स्क्वेयर अगर आप ज़ीरो कंसिडर करेंगे तो ई e नेट एट पॉइंट पी होगा के पी एंड दिस इज गोइंग टू बी जीरो सो एक्स स्क्वायर एंड स्क्वास स्क्र इंटू थ्री बाई टू तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा सो हियर इट इज एक्स क्यूब सो ये आपका जो है मेन इक्वेशन है मेन इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का ई नेट इज इक्वल टू के पी बाई एक्स क्यूब हमने एक्सिस फॉर्म में एक्सियल फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था दैट इज़ गोइंग टू बी के टू के मीन्स टू टाइम्स मोर होगा ओके इक्वेटर फॉर्म के कंपेरिजन में एक्सेस फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टू टाइम्स ग्रेटर होगा मोर होगा ओके okay. इससे ये पता चलता है एंड डायरेक्शन की बात करें तो वहां पर डायरेक्शन सेम थी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन सेम सेम थी बट यहाँ पर देखिए ई नेट की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है ओके okay? यहाँ पर देखिए आप डायग्राम में एंड इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है मीन्स इस डायरेक्शन में है तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव ओके okay, ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव इसीलिए हम इस वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है so, सो ये टू डेरीवेशंस एक्सिस फॉर्म में एंड एकटर फॉर्म में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू डाइपोल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आता है सो so, आपको ये इस तरह से इस वे में करेंगे तो आपको ईजीली कर पाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करिए तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी ओके दैट्स इनफ फॉर टूडे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चार डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है सो स्टे स्टेट्यूड एंड वॉच दिस वीडियो सारे वीडियोस को आप देखिए आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एंड यस प्लीज़ एक लाइक like तो बनता है एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू